हे गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ गोवर्धन। तो गाइस आज देखने वाले हैं गोवर्धन, और आज करेंगे हम गोवर्धन की परिक्रमा। तो देखिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन जी टेंपल में, और देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने अपने हाथों में गोवर्धन जी को उठा रखा है अपनी एक उंगली पे, और वहाँ पे उसके जो उस गाँव के लोग थे वो भी उनकी सहायता कर रहे हैं। और अभी हम जाएंगे अंदर, और वहाँ से दर्शन करने के बाद करेंगे हम बड़ी परिक्रमा स्टार्ट। तो गाइस, तो ज़्यादा न समय लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अंदर की ओर, और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे पंडाल है, और वहाँ पे जो सामने वहाँ पे दर्शन होते हैं गोवर्धन जी के, और वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ फोन ले नहीं ले जा सकता। तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए और कीजिए यहाँ के और स्थानों के भी दर्शन। तो फिर चलते हैं हम आगे की ओर। गाइस, गोवर्धन टेंपल के दर्शन करने के बाद मैं आ चुका हूँ बाहर, और अभी मैं करने जा रहा हूँ गोवर्धन की पहली बार परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा। देखिए प्रारंभ होता है 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर फिर वापस आना होता है, तो एक सर्कल बन जाता है, तो केवल टोटल 22 किलोमीटर है। अगर हम अंदर से परिक्रमा करेंगे तो 21 किलोमीटर पड़ता है। तो कृष्ण भगवान जी का नाम लेके, गोवर्धन जी का नाम लेके करते हैं आपकी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राधा 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 हरे हरे। तो गाइस, आपको बता दूं कि गोवर्धन जी की दो प्रकार से परिक्रमा होती है, एक बाहर की साइड से जो पक्की सड़क से होती है, और एक अंदर की साइड से होती है जहाँ से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से देखिए जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सारा गोवर्धन है, जो कृष्ण भगवान जी ने अपनी जिस उंगली पे उठाया था। गाइस, फाइनली 7 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ चुका हूँ आगे की ओर, और हमें यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ है गोवर्धन का, और यहाँ पे एक गांव भी हमें दिखाई दे रहा है, छोटा सा गांव भी हमें दिखाई दिया है। और देखिए आप पहाड़ के दर्शन कीजिए, गोवर्धन जी के दर्शन कीजिए, और गोवर्धन जी की जय बोलिए। और तो देखिए एक ऐसे गाँव है जो गोवर्धन जी के अंदर में ही पड़ता है ये। तो गाइस, एक बात, आपको यहाँ बंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तो अपने सामान को आप देख कर रखे जब भी यहाँ पे आए। और यहाँ से दूसरी सीमा स्टार्ट होती है राजस्थान की या गुजरात की, मुझे याद नहीं आ रहा, बट यहाँ से दूसरी सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए गाइस किस प्रकार यहाँ से मिट्टी मिट्टी है, आप साफ साफ देख सकते हैं, और पहाड़ भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। गाइस, फाइनली मैंने पूरी कर लिया है गोवर्धन जी की परिक्रमा, और अब मैं जाऊंगा बरसाना राधा रानी जी के मंदिर में। तो मिलेंगे आपको उसी मंदिर में, और करवाऊंगा आपको दर्शन। तो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड,